पीछे हटने का भी कोई शायद प्लान होगा। ये यूक्रेन की जीत नहीं, पुतिन की रणनीति भी कही जा सकती है। क्या पुतिन परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला करने वाले? क्या वही होने वाला है जो 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के साथ हुआ था? क्या तीसरे विश्व युद्ध में बस कुछ ही दिन बचे हैं? ये 10 मई का डेट जब से सामने निकल कर आया है, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हलचल सी मच गई है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस बात की चेतावनी दी है, पुतिन की परमाणु बम वाली किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर ये जंग ऐसी ही खिंचती रही तो पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA की चेतावनी, पुतिन करेंगे है। रूस कभी भी सामरिक या कम ताकत के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि CIA के पास इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान लगातार रूस की ओर से आ रहे हैं वो 1945 वाली कहानी को दोहरा सकते हैं। CIA के इस दावे के पीछे रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान भी शामिल है। अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की जिद की तो मॉस्को लेनिनग्राद में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर देगा। यानी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने CIA को ये चेतावनी जारी करने पर मजबूर किया है। हालांकि CIA डायरेक्टर का ये भी कहना है कि अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध टालने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हम काफी चिंतित हैं। मैं जानता हूं कि बाइडेन तीसरा विश्व युद्ध टालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमाणु हमला इस कोशिश को धक्का पहुंचा सकता है। रूस के पास कई सामरिक परमाणु हथियार हैं जो कि अमेरिका के परमाणु बम से कम ताकतवर हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। यहां ये भी समझना जरूरी है कि आखिर CIA किन आधार पर परमाणु हमले वाली चेतावनी जारी कर रहा है और इस चेतावनी को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। दरअसल CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ये अमेरिकी सरकार के लिए खास मिशन से जुटा डेटा जुटाती है। CIA से जुड़े लोग गुप्त संदेशों को डिकोड करते हैं। यूक्रेन में चल रही जंग के एक एक हिस्से की मॉनिटरिंग CIA कर रही है। CIA लगातार रूस की तैयारियों की निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, परमाणु खतरे से जुड़ी तमाम जानकारियां भी CIA इकट्ठा कर रही है। जाहिर है दुनिया की सबसे भरोसेमंद खुफिया एजेंसी पुतिन को लेकर जो चेतावनी जारी कर रही है उसे हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है, क्योंकि ये चेतावनी उस तबाही से जुड़ी है जिसे मानव इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार माना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में धकेल सकती है, और जंग की ये चिंगारी यूक्रेन से 7000 किलोमीटर दूर ताइवान और चीन के बीच सुलग रही है। दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स को शक है कि